हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं LOEF लॉन्चिंग योर फ्यूचर। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि स्वाइप इलीट प्लस मोबाइल से संबंधित है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा यदि आप स्वाइप इलीट प्लस मोबाइल को यूज करते हैं या स्वाइप इलीट कंपनी का मोबाइल आप यूज करते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखते हैं कि आपको एक समस्या आती होगी। ये जो बीच में बटन है जिसको क्लिक करने पर हमें एप्स दिखाई देते हैं, इसे ऐप ड्रायर या होम बटन के नाम से जाना जाता है। ये फ्रेंड्स एक ऐसा बटन है कि अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं या गलती से डिलीट हो जाता है तो आप अपने जो एप्स हैं इनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, कैसे प्रॉब्लम आती है और इसको कैसे हम सही कर सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको हमने टच किया है और यदि हम इस तरह से इसको रिमूव यहाँ से कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा रिमूव हो चुका है। अब फ्रेंड्स, आपके लिए एक समस्या है कि आप अपने एप्स को कैसे यूज कर सकते हैं। आपके पास में कोई तरीका नहीं है यूज करने का। यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं, वैसे तो तरीके हैं, फोल्डर बना के हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छा तरीका नहीं है और खासकर जो मोबाइल के बारे में कम जानकारियां रखते हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि आप इसको कैसे रीसेट कर सकते हैं और बिना इसको रीसेट किए। मैंने समांतर देखा, जब शुरुआत में इस मोबाइल को लिया था, इस तरह की समस्या कई बार आई थी मेरे साथ, लेकिन जब भी इस तरह की समस्या आती थी तो मुझे अंततः केवल एक ही विकल्प मिलता था कि इस मोबाइल को मैं रीसेट कर दूं। और रीसेट कर देने से मेरा जो भी डेटा होता था वो पूरा का पूरा चला जाता था, यानी कि यदि ऐप ड्रायर या होम बटन एक बार डिलीट हो जाता था तो मुझे पूरा मोबाइल रीसेट करना होता था। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं कि अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है और बिना मोबाइल को रीसेट किए हुए आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं ये कैसे आप रीसेट कर पाएंगे अपने ऐप ड्रायर को। फ्रेंड्स, आपको यहां पर देखना है कि आपका जो मोबाइल है उसकी जो स्क्रीन है, आपको उसमें इस थोड़ी देर के लिए टच करना है। इसको आप यहां पर इस तरह से टच करेंगे तो यहां पर इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब यहां पर आपको जाना है स्वाइप लॉन्चर सेटिंग में। हमने इसको टच किया है तो ये फ्रेंड्स हम यहां पर पहुंच चुके हैं। नीचे जाना है और यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे कि नीचे आपको मिलेगा बैकअप एंड रीस्टोर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ऊपर लिखा है बैकअप डेटा, इंपोर्ट डेटा, रीसेट लॉन्चर डेटा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मतलब है कि आपको जो लॉन्चर का जो डेटा है उसको यदि पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ फ्रेंड्स जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू रीस्टोर, दिस विल रीस्टोर टू डिफॉल्ट सेटिंग, आर यू श्योर, तो यहाँ पर कर देना है आपको रीस्टोर। जैसे ही फ्रेंड्स आप रीस्टोर करेंगे तो आपका जो लॉन्चर है वो पुनः रीसेट हो जाएगा और जैसा नया का नया था सेम उसी तरह का आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है कि यदि कोई लॉन्चर संबंधी हमारी प्रॉब्लम आ जाती है मोबाइल में, होम स्क्रीन या होम बटन या ऐप ड्रायर में यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको इस तरह से सेट करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखें कि आपके मोबाइल का कोई भी डेटा नहीं गया है, हमने अपने मोबाइल को रीसेट भी नहीं किया है और सीधे हमको यहाँ से इस तरह से यूज करना शुरू कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका ये जो ऐप ड्रायर है ये आ चुका है और यहाँ से आप फोटो भी डाल सकते हैं जो भी आपको डालना है, लेकिन मेरा पहले से ही डाला है तो ये मैंने वहां पर सेट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ओके कर दिया और ये हमारा सेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से एप्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मेरा मानना है कि इससे आपको काफी लाभ हुआ होगा और यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस लगातार लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।